Hi everyone, my name is इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रो की वर्ड इन जावर राइट एक्सेप्शनिंग हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं राइट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनली की वर्ड विथ हमने कवर किया था फोर फाइव एग्जाम्पल डिस्कस किया था अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज राइट चलिए हम पहले थर्टिकल समझते थ्रो की इन जावर देन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे फोर फाइव एग्जाम्पल uh, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है मैंने डेफिनेशन लिखा है थ्रो की वर्ड इज यूज टू थ्रो द यूजर डिफाइंड और कस्टमाइज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू दी जेपीएम एक्सप्लिस क्लियर यूजर डिफाइंड आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो और उसको थ्रो करवा सकते हो ठीक है ना क्लियर है प्री डिफाइंड भी एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो और उसको प्री डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हो थ्रो की वर्ड तो थ्रो की वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हैंडल करने के लिए नहीं ओनली थ्रो करने के लिए ठीक है नेक्स्ट आप डेफिनेशन मैंने सेकेंड ऐसे लिखा है देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लेटली थ्रो एन एक्सेप्शन एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट ठीक है ना दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ठीक है बेसिकली एक्सेप्शन कब आता है जब हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं और आपको पता है कि रन टाइम पे आपका एक्सेप्शन आता है कंपाइल टाइम पे आपका वार्निंग आता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में ठीक है अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा एंड डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर जहां एक्सेप्शन आया तो ऑलरेडी क्या है कि ये आपका स्टॉप हो जाएगा है ना नॉर्मल फ्लो उसका क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा तो चलिए हम लोग दो चार एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। मैंने फाइल क्रिएट किया थ्रो डॉट चावा आप भी फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो देन में क्लास क्रिएट कर लिया माई एक्सेप्सन क्लास का नेम भी आप कुछ और दे सकते हो देन Main method, मैं यहाँ पे लिख लेता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने 10 by 0 पास कर दिया. And then second, मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट राइट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ अब देखो यहाँ पे होगा क्या यहाँ पे आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा क्या आएगा मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए जो हो जाएगा, है अब ये जो बेसिकली एक्सेप्शन आया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ठीक है ना कौन क्रिएट करता है भाई मेन मेथड क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर कर देता है जेवीएम को ठीक है जेवीएम चेक करता है कोई हैंडलिंग कोड लगा हुआ है पूछता है मेथड से आपने कोई हैंडलिंग कोड है, नहीं है इसके अंदर तो वो क्या करता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को क्या करता है पास कर देता है और वो प्रिंट करवा देता है जो भी एक्सेप्शन आपका आया है एक्सेप्शन नेम एंड देन डिस्क्रिप्शन और आपका लोकेशन कितनी नंबर पे लाइन पे आया है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है उसको प्रिंट कर देता है अगर जब हम कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाते हैं तो आपका इंटरनली डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कोड चलता है ठीक है ना क्लियर है और ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और ये कौन क्रिएट करता है मेन मेथड क्रिएट करता है याद रखना ठीक है तो ये मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका एप नॉर्मल टर्मिनेशन क्योंकि रेस्ट ऑफ द कोड वाला लाइन नहीं चलेगा देखो डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है सी डी डेस्कटॉप जावा नाम का फोल्डर है देन जावा सी थ्रो डॉट जावा फाइल का नेम है क्या आया जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक कॉलन डिवाइड बाई जीरोप्शन डॉट मेन थ्रो डॉट जावा फोर नंबर लाइन पे क्लियर है पॉइंट और रेस्ट ऑफ दी कोड वाला नहीं चला देख लो यहाँ पे ये यह हो गया आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्योंकि यहाँ पे कोई हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाया तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझो इसको पहले देन एग्जाम्पल सेकेंड तो ये हो गया एबनॉर्मल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एबनॉर्मल टर्मिनेशन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैं ट्राई कैच के अंदर हैंडल कर लेता ट्राई ठीक है सॉरी ट्राई लिखो ट्राई ट्राई के अंदर हम लोग क्या रिस्की कोड लिखते हैं देन कैच कौन सा एक्सेप्शन है आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड -E, देन यहां पे मैंने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्रिंट करा दिया क्लियर है पॉइंट अब यहां पे हो गया रहा है आपका देखो यहां पे एक्सेप्शन यहां पे ट्राइब ब्लॉक में अकर हुआ ठीक है एक्सेप्शन आया और मैंने हैंडलिंग कोड क्या ट्राई कैच लगा दिया तो यहाँ पे एक्सेप्शन जैसे आया तो कैच को ट्रांसफर कर देगा और कैच में यहाँ पे मैच कर गया अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड देन कैच के अंदर हमने यहाँ पे हैंडलिंग कोड मतलब कि प्रिंट करवा दिया तो बेसिकली एक्सेप्शन आया कैच में आपका हैंडल होके प्रिंट हो रहा है हैंडल नहीं करवाया जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ जो एक्सेप्शन आया उसी को कैच ब्लॉक में प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा अब मैंने हैंडलिंग कोड लगा दिया तो ये रेस्ट ऑफ दी कोड आपका चलेगा अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहां पे क्या कर दिया है ट्राई कैच लगा दिया है तो जब आप लगा देते हो तो क्या करता है जेबीएम नहीं लगाता है ठीक है ना चलिए इसको कंपाइल करते हैं एक बार देखो आपका रेस्ट ऑफ द कोड चला क्लियर है पॉइंट अभी मैं कहीं पे थ्रो की यूज नहीं किया हूं, अब यूज करने वाला हूं ठीक है चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड अब यहां पे क्या करना है मुझे ये जो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्सेप्शन रेफरेंस मैं थ्रो करवा दूंगा थ्रो न्यू एंड देन दूंगाटिक एक्सेप्शन यहां पे मैंने किया देखो एक्सेप्शन अब मैं अपना यहां पे दे देता हूं कुछ भी दे सकता हूं चेक मैंने दिया प्लीज चेक कोड ठीक है और ये जो एक्सेप्शन मैसेज हमने दिया है एक्सेप्शन नहीं दिया है एक्सेप्शन तो आपका प्रीडिफाइंड है एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हम लोग प्री डिफाइंड यूज कर रहे हैं ना और यहाँ पे लेकिन डिस्क्रिप्शन हम पास कर रहे हैं ठीक है ना तो ये क्या करवा कर रहे हम लोग थ्रो करवा रहे हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन को प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को यूजिंग थ्रो की तो यहाँ पे थ्रो हो रहा है चलो यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है मतलब एक तरीके से हम लोग थ्रो करवा रहे हैं देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन प्रिंट हुआ ये देखो यहाँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लीज चेक द कोड ये चेक द कोड आ रहा है एंड देन आपका ये वाले देखो रेस्ट ऑफ द कोड आपका नहीं चला देख लो एक बार फिर से कंपाइल करके दिखा देता हूं देखो कंपाइल्स फाइन देखो आपका रेस्ट ऑफ द कोड नहीं चला क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करवाया हूं क्लियर है पॉइंट डन चलो तो आप ये हमने थ्रो करा दिया एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर फोर देखो अगर जहां मैं ट्राई कैच नहीं लिखता हूं, चलो मैंने कैच हटा दिया भाई कोई बात नहीं ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया चलिए बस इतना सा लिखता हूँ एक्सेप्शन को ओनली मैं क्या करा रहा हूँ थ्रो करा रहा हूँ चलिए चलाता हूं मैं क्योंकि थ्रो कीवर्ड यूज किया जाता है ओनली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अनरीचेबल स्टेटमेंट इसको हटा दो भाई इसको हटा दो चलिए कंपाइल्स फाइन देखो यहां पे आ रहा है आपका प्लीज सेक कोड ठीक है एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं क्लियर है, है पॉइंट ये है आपका एक्सेप्शन थ्रो अभी तक हम लोग प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करवाए अब मैं एग्जाम्पल नंबर फाइव हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे और उसको थ्रो करवाएंगे ठीक है तो यूजर डिफाइंड में माय एक्सेप्शन ही क्रिएट कर लिया हूँ ये बेसिकली यही क्लास है इसे यही नाम रख देता हूँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ देखो अगर जहाँ आपका एज है ग्रेटर देन एटीन तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग अगर जहाँ लेस देन एटीन है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग ठीक है तो ये एक्सेप्शन बेसिकली अर्थ में जो है ये एक्सेप्शन आपका रन टाइम पे आएगा तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर दूंगा एम एस जी एंड पे आपको यूज करना है सुपर कीवर्ड सुपर अब ये सुपर कीवर्ड क्यों यूज कर रहा हूं यहां पे सुपर एंड देन एम एस जी पास करना है पे सुपर ड देखो ये क्या करेगा बेसिकली जब एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा ठीक है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जेबीएम को ट्रांसफर कर देगा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होने के बाद JBM क्या करेगा ये वाली मैसेज को ये वाली मैसेज को डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को क्या कर देगा दे देगा और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा ये जो मैसेज हमने पास किया ना सुपर तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास हमारा मैसेज चले जाएगा और वो प्रिंट कर देगा ठीक है चलिए अब यूजर से इनपुट लेना है तो आप क्या करो क्या करो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ठीक है एंड देन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो इनपुट रेफरेंस वेरिएबल इनपुट कुछ भी ले सकते हो रेफरेंस वेरिएबल इनपुट की जगह एबीसी कुछ भी ले सकते हो स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन And then, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर योर एज इंटर योर एज एज का स्पेलिंग मिस्टेक मैं यहां पे क्या करूंगा इंट एस टाइप का इंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हम लोग स्टोर करा लेते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट ठीक है चल अब यूजर जैसे इंटर किया आपका जो भी एज इंटर किया एज वाले वेरिएबल में आ गया और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूं इफ एज लेस देन एटीन है ठीक है लेस देन एटीन है तो मैं यहाँ पे थ्रो करवा देता हूं मेरा एक्सेप्शन का नेम क्या है अब यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन का नेम है माई एक्सेप्शन ठीक है और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूं एक्सेप्शन बेसिकली क्या थ्रो होगा यू आर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग ठीक है एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड देन एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहां पे प्रिंट करा देता हूं मैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग क्लियर है पॉइंट डन और जहां ग्रेटर है तो क्या होगा एलिजिबल फॉर वोटिंग चल मैंने इसको क्लोज कर दिया डन चलिए इसको कंपाइल करते हैं कंपाइल्स फाइन माई एक्सेप्शन अब देखो इंटर योर एज मैंने फिफ्टीन इंटर किया तो क्या आया देखो यहाँ पे अब देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन माई एक्सेप्शन देखो मेरा एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इससे पहले हो रहा था प्री प्रीडिफाइन अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था ना माई एक्सेप्शन क्या आया मैं डिस्क्रिप्शन इसका यू आर नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग और ये सारा चीजें जो प्रिंट हो रहा है कौन प्रिंट कर रहा है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर याद रखना ठीक है जब हम कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाते हैं ट्राई कैच नहीं लगाते हैं तो आपका जेवीएम क्या करता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लगा देता है ठीक है ना तो ये क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास हैंडल हो जाएगा हैंडल करने के लिए बेसिकली मेथड सेंड कर देगा किसको किसको यहां पे सेंड हो जाएगा आपका किसके पास बताओ आप लोग को ठीक है ना चलिए और जेबीएम क्या करेगा उसको जेबीएम बेसिकली चेक करेगा कोई हमने हैंडलिंग कोड लगाया है इसमें हैंडलिंग कोड नहीं लगाया तो क्या करेगा वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा और वो प्रिंट करा देगा ठीक है ना और जो हमने थ्रो करवाया है वो सारी चीजें प्रिंट हो जाए चलिए तो ये है आपका नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर जा मैं लिख दू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे लिख देता हूं रेस्ट ऑफ कुछ लिखा तो देखो तो यहाँ पे सिर्फ थ्रो करवा रहा हूँ अब इस केस में मेरा रेस्ट ऑफ द कोड चलता है नहीं देखो यहाँ पे तो मैंने कंपाइल किया मैंने यहाँ पे इंटर किया ट्वेंटी देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे तो एक्सेप्शन नहीं आया चलिए एक्सेप्शन अब मैं यहां पे देता हूं ट्वेल्व देखो एक्सेप्शन आया तो रेस्ट ऑफ दी आपका कोड क्या हुआ नहीं चला समझ गया तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे दो सिक्स नंबर सिक्स है अब यहां पे अगर जा मैं इसको ट्राई केज के अंदर रख लू देखो यहां पे ट्राई आप ऐसे भी कर सकते हो देन कैच ठीक है एंड देन यहां पे लिखा मैंने माई एक्सेप्शन का नेम एंड देन माई एम वाई लिख देता हूं देन इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ नेम है माई मैंने प्रिंट करा दी ठीक है क्लियर है अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ देखो क्या होता है कंपाइल्स फाइन हमने यहां पे ट्वेंटी किया देखो क्या आ रहा है आपका यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड रेस्ट ऑफ द कोड चल रहा है अगर जहां यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया अब यहाँ पे एक्सेप्शन मैं यहाँ पे थ्रो करवाता हूं देखो मैंने यहाँ पे ट्वेल्व एंटर किया देखो यहाँ पे क्या आया आपका एक्सेप्शन देखो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट थ्रो हुआ एंड रेस्ट ऑफ द कोड भी चला क्योंकि यहां पे मैं हैंडलर कोड लगा दिया ठीक है एक्सेप्शन आया आपका मैच किया थ्रो हुआ और रेस्ट ऑफ द कोड चला ये हो गया आपका नॉर्मल टर्मिनेशन याद रखना ठीक है यही चीज समझाना चाह रहा था मैं ये हुआ आपका नॉर्मल टर्मिनेशन रेस्ट ऑफ दी आपका कोड चला डन ये हमने चार पांच एग्जाम्पल डिस्कस किया आई होप कि थ्रू कीवर्ड का यूज आप लोग को पता चल गया होगा यूज क्यों करते हैं ओनली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए चाहे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो या आपका प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हो थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है विथ एग्जाम्पल हमने कवर किया ठीक है ना हमने पांच छह एग्जाम्पल डिस्कस किया आप इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक है एंड लाइक like करो कमेंट करो शेयर करो यार सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय बाय